हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेदर इट इज़ कंडक्टेड बाय आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी। आपके लिए सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे ये वीडियोज़ एंड स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जिनको हिंदी में नोट समझ में नहीं आते हैं वो ज़रूर इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कल हमने ऑरिजिन ऑफ राजपूत से स्टार्ट किया था, आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड रिविजन भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा पढ़ाते हैं एंड देन वी विल ऑल्सो डू द रिविजन। तो कल हमने थोड़ा सा ये पढ़ भी लिया था बट स्टिल थोड़ा पैराग्राफ अगर हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो थोड़ा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी 647 एडी के अंदर, फिर जो गुप्ताज ने जो पॉलिटिकल यूनिटी जो इस्टेब्लिश करी वो भी खत्म हो गई एंड छोटे छोटे किंगडम्स बट गए, नई नई डायनेस्टीज उभर कर आ गई जिन्हें कहा गया राजपूत डायनेस्टीज। तो ये जो डायनेस्टीज जो न्यू न्यू आई इनका जो इम्पोर्टेंस है या आप इनको कैसे जानते हैं, पोस्ट हर्षा पीरियड के बाद जानते हैं, हर्षा के पीरियड के बाद यानी कि हर्षवर्धन के पीरियड के बाद एंड दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिश होने के बीच में जो पीरियड होता है उसको हम राजपूत पीरियड कहते हैं। एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन है विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने ये लिखा है कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद एंड मुस्लिम रूल के एस्टेब्लिशमेंट से पहले जो राजपूत थे वो इतने पावरफुल थे कि इसको राजपूत पीरियड कहा जाने लगा। मींस दे आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन 17th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच की ये बात है। नाउ हु वर द राजपूत्स, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है ये, काफी सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरी दी है जिसमें से एक है गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा ये कहते हैं कि राजपूत जो टर्म है वो कोई न्यू नहीं है, इस टर्म के बारे में आप हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट है उसमें भी लिखा हुआ है। तो कहाँ लिखा हुआ है, चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है, कालिदास ने जो अपने प्ले हैं उसमें लिखा है, बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी के अंदर लिखा है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको राजपुत्र जो है तत्सम फॉर्म देखने को मिलती है। सिमिलरली जो चाइनीज ट्रेवलर है ह्यून सन, उन्होंने भी कहा है दे रेफर टू द रूलर जैसे कि क्षत्रिया एज वेल एज राजपूत। सो ही इज ट्राइंग टू से बेसिकली दैट राजपूत आर नॉट न्यू, लेकिन ये जो ओझा का जो व्यू है ये सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सब लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, तो सबकी अलग अलग जो है थ्योरीज हैं एंड तो पढ़ते हैं कि सबकी अलग अलग क्या क्या थ्योरी हैं। तो सबसे पहले तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा है, गौरी शंकर ओझा के बारे में एंड इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो गौरी शंकर या गौरी शंकर हीरा चंद ओझा सी वी वैद दे बेसिकली से कि राजपूत्स आर नॉट न्यू एंड दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द वैदिक क्षत्रियास, मतलब वैदिक जो क्षत्रिय थे उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो ही राजपूत्स हैं। वो ये कहते हैं कि क्षत्रिय जो होते थे वो बेसिकली एक कर्म कांड करते थे, जैसे कि मतलब अपने हॉर्स को भेजा और जहाँ जहाँ वो गया पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। तो ये इन्हीं की तरह ही है राजपूत्स भी। आप इनकी बॉडीज देखिए राजपूत्स की, इनकी लॉन्ग एंड शार्प नोज देखिए, इनका इलोंगेटेड हेड देखिए, तो उसको देखने से पता चलता है दैट दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यंस। तो वो ये बात कहते हैं गौरी शंकर ओझा। लेकिन अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग लोग हैं कि जो राजपूत को ये नहीं मानते एंड उनका कहना कुछ और ही है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो गौरी शंकर ओझा ने ये कहा है। अब एक दूसरे पर्सन है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने इस स्टोरी के बारे में बताया है बेसिकली ओरिजिन ऑफ अग्निकुंड। ये जो थ्योरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं अग्निकुंड में सेक्रीफाइस सेक्रीफिशियल फायर पिट। तो बेसिकली चंद्र बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज जो थर्ड थे उसके कवि थे एंड उन्होंने एक स्टोरी से रिलेट किया है, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है चंद्र बरदाई ने। वो ये कहते हैं कि राजपूत का जो ओरिजिन है वो अग्निकुंड से हुआ है। उनका कहना है कि कुछ एंशियंट सेजेस थे यानी कि कुछ वो थे जिनको हम साधु बोल देते हैं, जैसे कि विश्वमित्र थे, गौतम थे, अगस्त्य थे, तो इनको राक्षस बड़े परेशान करते थे एंड जब भी ये कोई यज्ञ वगैरह करते थे तो उनको दूषित कर देते थे, उनका यज्ञ संपन्न नहीं होने देते थे। तो जो वशिष्ठ थे उन्होंने एक यज्ञ परफॉर्म किया कि हमें अपना जो वैदिक जो धर्म है उसको बचाना है एंड जब वो बचाने के लिए ये सब यज्ञ कर रहे थे तभी उस यज्ञ में से, उस यज्ञ की आग में से कुछ वॉरियर्स की उत्पत्ति हुई, उन जैसे कि परमार्स, चालुक्यास एंड प्रतिहाराज, लेकिन वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में फेल हो गए। फिर जो चौथे जो मीन्स उन्होंने क्रिएट किए वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे बाकी तीनों से एंड उनके पास वेपन्स भी थे एंड वो थे चौहान। तो ये चंद्र बरदाई जो है वो अपने इसके अंदर लिखते हैं
पृथ्वीराज रासो में। तो चंद्र बरदाई के अकॉर्डिंग जो राजपूत हैं वो अग्नि कुंड से आए हैं, जो कि यज्ञ था जो वो किसने किया था, वशिष्ठ ने किया था। तो ये थ्योरी दी है चंद्र बरदाई ने, लेकिन अगेन ये थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता एंड ये कहा जाता है कि ये गलत स्टोरी है। अकॉर्डिंग टू फ्यू दीज स्कॉलर्स, जो क्षत्रिया हैं हु हैड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म या कुछ ट्राइब्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि भील्स में, मीनाज में, कुछ फॉरेन ट्रेडर्स में जैसे कि शक्स, हुन्स एंड यूशी, सो दे वर कॉन्सक्रेटेड बाय द यज्ञ फायर एंड ये लोग आए थे यज्ञ फायर से एंड यही हमारी सोसाइटी में मिले एज क्षत्रिय। तो अगेन इनकी भी थ्योरी को क्या कहा दिया जाता है, गलत कह दिया जाता है। तो अब एक थ्योरी आई ब्राह्मणिकल ओरिजिन, ये किसने दी, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। इन्होंने ये कहा कि राजपूत का जो ओरिजिन है वो नगर ब्राह्मण से है, ठीक है। एंड एक उन्होंने इसके लिए सबूत भी दिया, सबूत क्या दिया कि एक बिजोलिया का रॉक है, बिजोलिया की जो चट्टान है वहां पे लिखा है कि वासुदेव चौहान जो है वो ब्राह्मण है वत्स गोत्र के। उनके अकॉर्डिंग द मैरिज ऑफ ब्राह्मण राजशेखर, राजशेखर जो ब्राह्मण थे उनकी शादी हुई थी अवंती सुंदरी से एंड वहीं से ही चौहान जो हैं वो ब्राह्मण क्लैन के बन गए। डॉक्टर गोपीनाथ, ये किसने कहा है, ये कहा है डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। एक है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि जो गुहिल है मेवाड़ के वो ब्राह्मण गुहेदत्त जो है नगर क्लैन के उसी के डिसेंडेंट्स हैं। महाराणा कुंभा जो है मेवाड़ के, वो अपनी जो गीत गोविंद के अंदर जो कमेंट्री पास करते हैं उसमें उन्होंने भी कहा है कि हाँ गुहिल जो है वो डिसेंडेंट्स है नगर ब्राह्मण गुहेदत्त के। लेकिन अगेन कुछ और हिस्टोरियंस हैं जैसे कि दशरथ शर्मा, वो अब इनकी थ्योरी को नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग ये है कि राजपूत अडॉप्टेड द गोत्र ऑफ देयर पुरोहित एंड जिसकी वजह से ये ब्राह्मण एंसेस्टर बने हैं। तो डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है वो इस रिव्यू को बिल्कुल लॉजिकली रिफ्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट किया है ना गोत्र, तो इस तरीके से अलग अलग थ्योरीज हैं। अब रियलिटी क्या है तो हम तो टेक्स्ट के ऊपर ही ट्रस्ट करेंगे। चलिए अब एक और फॉरेन ओरिजिन है, कॉर्नवाल जेम्स टॉन्ट घोड़े वाले बाबा। तो ये कहते हैं कि राजपूत डिसेंडेंट्स हैं शख्स के एंड शख्स कौन थे, फॉरेन थे, साइथियंस जिनको कहते हैं। फायर पिट ओरिजिन थ्योरी के बेसिस पे वो ये कहते हैं कि राजपूत का जो ओरिजिन है वो फॉरेन से है। ये अभी हमने पढ़ा कि यही जो फॉरेन ट्राइब्स थे वो इंडिया में आए और यही जो फॉरेन कॉन्क्वेरर्स थे वही यहाँ पर रूलर्स बन गए एंड फिर फायर सेक्रीफाइस करने लग गए और फिर क्षत्रिय बन गए। तो उनका जो आर्ग्यूमेंट है प्रूव करने का कि हॉर्स वर्शिप करना, वेपन वर्शिप करना, आर्म्स की ट्रेनिंग, ये सब ऐसा ही है जैसे कि हुन एंड सिथियंस करते हैं। वी स्मिथ ये कहते हैं कि राजपूत हु अपीयर्ड सडनली एकदम से 8वीं शताब्दी में ये आ गए। लेट मी जस्ट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो वी ए स्मिथ ये कहते हैं कि राजपूत जो सडनली ही 8th सेंचुरी में आपको देखने को मिलते हैं, 9th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, ये तो हुन्स के डिसेंडेंट्स हैं। सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू से कि ये कोई फॉरन जो है उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। नाउ दीज व्यूज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब कुछ कारण है जिसकी वजह से हम इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि राजपूत खुद कभी ये नहीं मानते कि वो फॉरेन ओरिजिन के हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो जो एंशियंट क्षत्रिय है उसी के ही हैं, हम यहीं के ही हैं और हमारे जो कस्टम्स हैं राजपूत के और जो सिथियंस हैं उनके कस्टम जरूर ठीक है, लेकिन ये जो कस्टम्स थे वो इंडिया में पहले से ही प्रिवेलेंट थे, यानी कि पहले से ही थे। एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अलग अलग लोगों की अलग अलग ओरिजिन के बारे में कि भाई राजपूत का ओरिजिन कैसे हुआ है। अब कोई कंक्लूसिव प्रूफ ना होने के कारण अगेन जो आप बोलेंगे वो यही बोलेंगे दैट राजपूत आर द डिसेंडेंट्स ऑफ इंडो आर्यंस एंड कुछ फॉरन ट्राइब्स थी जो कि इंडिया आई, यहाँ पे सेटल हुई एंड इंडियन सोसाइटी में वो इंटेग्रेट हो गई। डॉक्टर कनुनगो वॉज राइट, ही सेज कि जो फायर पिट स्टोरी है वो मॉडर्न माइंड नहीं एक्सेप्ट करता कि आप अग्निकुंड से कैसे प्रकट हो गए, बट सेम इज ट्रू फॉर द सोलर एंड लूनर ओरिजिन्स। बट अगेन ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी टॉपिक रहता है, तो हम इसको जितना बुक के अंदर लिखा हुआ है हम उसको एज इट इज ही पढ़ेंगे, अपनी कोई भी इसके अंदर टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए नाउ कम ऑन प्रोमिनेंट राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं राजस्थान की, जैसे कि गुहिल डायनेस्टी, फिर इनकी जो
कर्म है वो भी आ जाते हैं कि पहले कौन राजा थे, फिर कौन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो कुछ राजपूत डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि गुहिल डायनेस्टी एंड उसके कुछ रूलर्स, गुहिल डायनेस्टी एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एंड प्रतापगढ़ एंड उसके आसपास का जो एरिया है उसे मेवाड़ कहते हैं। यहाँ पे शासन गुहिलों ने किया था। गुहिल एक बेसिकली इसके फाउंडर थे जिनके नाम पे ये डायनेस्टी पड़ी। एंड अबुल फजल रिलेट्स दैम कि भाई ये नौशेख जो थे रूलर ऑफ ईरान उनकी तरह थे। टोड भी जो है वो इन्हें वल्लभी के रूलर्स के साथ एसोसिएट करते हैं, जबकि नैनसी और जो गोपीनाथ शर्मा हैं वो इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो हैं वो ये कहते हैं कि गुहिल ने अपना जो रूल है वो 566 एडी के आसपास एस्टेब्लिश किया। एंड गुहिल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे बप्पा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल, राज प्रशस्ति जो कि 734 एडी के अंदर मिली। बप्पा ने जो मानमोरी थे, चित्तौड़गढ़ के रूलर थे, उनको हराया एंड चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई नागदा, एक मंदिर भी बनवाया, एकलिंग जी का मंदिर जिसको लकुलिश भी कहते हैं, कहाँ पर, कैलाशपुरी के अंदर। एकलिंग जी एक डाइटी हैं बेसिकली गुहिल्स के, वो इनको पूछते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अकॉर्डिंग जो बप्पा का रियल नेम था वो कालभोज था एंड बप्पा सिर्फ उसका टाइटल है। वीर विनोद श्यामलदास जो हैं, वीर विनोद ने लिखी है श्यामलदास, उसके जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि बप्पा वॉज नॉट एनीबडीज नेम, इट वॉज अ टाइटल। बप्पा किसी का नाम नहीं था, बप्पा एक मीन्स टाइटल था, जैसे हेड बॉय हेड गर्ल टाइटल होते हैं, तो ऐसे एक टाइटल था। एंड बप्पा वॉज इन सर्विस ऑफ मानमोरी, बप्पा जो थे वो मानमोरी के अंडर काम करते थे। बट जब फॉरन आर्मी ने चित्तौड़गढ़ पे अटैक किया तो बप्पा रावल ने वो चैलेंज ले लिया एंड उनको सिंध तक मीन्स एक तरीके से मार भगाया। एंड इस कारण की वजह से जो हिस्टोरियन है सीवी वैद्या वो इनको चार्ल्स मार्टल से कंपेयर करते हैं, क्योंकि चार्ल्स मार्टल एक फॉरन कमांडर थे, पहले थे जिन्होंने मुस्लिम्स को यूरोप में हराया था। सो दिस वॉज अबाउट बप्पा रावल। फिर इसके बाद आते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को कॉन्कर्ड इन्होंने जीता, गुहिल के ही थे ये भी, इन्होंने चित्तौड़ को जीता परमार से एंड फिर कैपिटल वहां पे बनाया। जैत्र सिंह ने 1213 से 1253 अराउंड 40 इयर्स की बात है, ही आल्सो डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान इतुतमिश ऑफ दिल्ली। एक भूताला का युद्ध हुआ था 1227 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एक भूताला का युद्ध हुआ था 1227 के अंदर। ये जो बैटल है इसके अंदर, दिस बैटल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, जयसिंह सूरी की एक बुक है हमीर मर्दाना, उसमें ये बात लिखी हुई है। इस बुक के अंदर जो इल्तुतमिश हैं उनको हमीर कहा गया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी उनको प्रेस किया है, वो ये कहते हैं कि स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे जैत्र सिंह ही वो मेवाड़ के राजा थे जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट, पावरफुल एंड काफ़ी प्रेज उन्होंने हासिल किया। अब आ जाते हैं रत्न सिंह। तो रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी एंड जो आपकी पद्मिनी है उसकी स्टोरी तो मोस्टली लोग जानते ही हैं। तो 1302 से 1303 तक, ये आई थिंक ईयर जो है वो इस वजह से लिखा है क्योंकि रावल रतन सिंह के ऊपर अटैक जो था वो करना शुरू कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। अलाउद्दीन काफ़ी एम्बिशियस था एंड वो चित्तौड़ को पाना चाहता था, स्ट्रैटेजिकली भी कॉमर्शियली भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट था। मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है पद्मावत, 1540 एडी में लिखी गई थी। उन्होंने ये कहा कि जो रीज़न था अटैक करने का वो था कि पद्मिनी को वो हासिल करना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी जो कि रतन सिंह की वाइफ थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो भी इसको मानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे वो सब किले के ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने, और रतन सिंह और उसके जो कमांडर्स थे गोरा और बादल वो लड़ते लड़ते मर गए थे। अलाउद्दीन की आर्मी एंड रानी पद्मिनी वो जो ये सॉरी ये यहीं पे ही है, ये फुल स्टॉप हो जाएगा कि गोरा और बादल के साथ, गोरा और बादल अलाउद्दीन आर्मी के साथ लड़ते लड़ते मीन्स दे बेसिकली मरने नहीं बोलते इनको, हम बोलते तो हैं क्या बोलते हैं, जो फीमेल करती थी वो जौहर, एंड इनको क्या बोलते हैं, बोलते तो हैं हाँ केसरिया इन्होंने किया था, केसरिया बोलते हैं, केसरिया इन्होंने किया था, ठीक है ये वर्ड है परफेक्ट। एंड रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 अदर विमेन के साथ मिलके जौहर किया था। अमीर खुसरो थे जो कि अलाउद्दीन के कोर्ट के एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी इस बैटल में पार्टिसिपेट किया
एंड इन हिज खजाइन उल फुतू, उसके अंदर भी इन्होंने लिखा है। अलाउद्दीन ने फिर जब जीत लिया तो फिर अपने बेटे खिज्र खान को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया एंड चित्तौड़ का नाम खिज्रबाद रख दिया। रतन सिंह को लास्ट रूलर कहा जाता है रावल ब्रांच का ऑफ गुहिल डायनेस्टी। देन कम्स राणा हम्मीर 1326 से लेके 1364 तक। 1326 के अंदर हम्मीर जो कि एक जागीरदार थे सिसोदिया ठिकाना के, उन्होंने चित्तौड़ को ऑक्यूपाई कर लिया एंड गुहिल डायनेस्टी को यहाँ पे वापस से रीस्टैब्लिश किया, क्योंकि वो आ गए थे ना खिज्र खान, ये खिज्र खान आ गए था। तो इसके बाद गुहिल डायनेस्टी को दोबारा से रीस्टैब्लिश किया राणा हम्मीर ने। उसको सिसोदिया इसीलिए कहते थे क्योंकि वो जागीरदार थे सिसोदा के। हमीर के जो ग्रैंडफादर थे लक्ष्मण सिंह, वो लड़ते लड़ते मर गए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही। एंड तो बाद में जो रूलर्स थे उन्होंने इनको सिसोदिया कहा। हमीर को लिबरेटर ऑफ मेवाड़ कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। राणा हमीर हैज़ बीन कॉल्ड द विषम घाटी पंचानन, कि लॉयन की तरह ये लड़ते थे। एंड कहाँ कहा गया ये बात, ये कही गई है राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। हमीर के पास क्रेडिट है कि उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को भी हराया था सिंगोली बांसवाड़ा के अंदर जो लड़ाई हुई थी। देन महाराणा लाखा जो थे वो थ्रोन पर बैठे 1382 में। हंसाबाई जो कि मारवाड़ के राणामल थे, उनकी बहन थी एंड उनकी शादी का एक तरीके से रिश्ता आया था लाखा के बेटे चुंडा के साथ, एंड लेकिन कोइंसिडेंटली लाखा के साथ ही उनकी शादी हो जाती है। एंड कंडीशन ये रखी जाती है कि शादी तो हो जाएगी लेकिन फिर जो भी हंसाबाई का बेटा होगा उसी को ही मेवाड़ की गद्दी मिलेगी। लाखा का जो इम्पोर्टेंट सन था एंड जो चुंडा था, क्योंकि अब वो वहाँ पे उनको जाना पड़ा क्योंकि उन ऑब्वियसली ही वॉज वेरी एजेड, महाराणा लाखा वॉज वेरी एजेड एंड इनके बेटे थे चुंडा, लेकिन रिश्ता आया चुंडा के लिए, शादी हो गई लाखा के साथ हंसाबाई की। तो ये कहा गया कि हंसाबाई और लाखा का जो बेटा होगा वो गद्दी पर बैठेगा, तो चुंडा को जाना पड़ा, इसलिए उनको कहा जाता है भीष्म पितामह ऑफ राजस्थान। राणा लाखा के टाइम पे सिल्वर एंड गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा जवार माइन से, जिसकी वजह से स्टेट काफ़ी प्रॉस्पर करी। एंड फिर एक बंजारे थे जिन्होंने पिछोला लेक भी बनाई फॉर द महाराणा लाखा। देन आते हैं महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल 1421 से 1433, महाराणा लाखा एंड हंसाबाई के बेटे थे जिनको गद्दी मिली। 1421 में इनको गद्दी मिली लेकिन छोटी कम उम्र की थी, तो चुंडा को टुक चार्ज ऑफ हिज कस्टडी। एंड जब उनको लगा कि जो मोकल की जो मदर है वो उसके मोटिव को सस्पेक्ट कर रही है, तो चुंडा को लगा कि मुझे चले जाना चाहिए एंड चुंडा जो थे वो मेवाड़ छोड़कर चले गए मांडू, और मोकल की मृत्यु कर दी किसने, उन्हीं के अंकल ने एंड द महापा पवार ने। तो ये हुआ उनके साथ। चलिए महाराणा कुंभा ने मोकल की जब डेथ हो गई तो उसके बाद महाराणा कुंभा जो थे वो 1433 एडी के अंदर आए। उन्होंने राठौड़ का जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म किया मेवाड़ से एंड उन्होंने चित्तौड़ को एंड कुंभलगढ़ को सेंटर्स ऑफ पावर बनाया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चित्तौड़ एंड कुंभलगढ़ को सेंटर्स ऑफ पावर बनाया। 1437 में बैटल ऑफ सारंगपुर के अंदर उन्होंने महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया एंड उसे प्रिजनर भी बनाया। उन्होंने विजय स्तंभ के अंदर ये बात लिखी भी एंड ये भी कहा कि मेवाड़ की लड़ाई भी हुई थी अगेंस्ट गुजरात, जिसमें गुजरात हारा। 1453 में कुंभा ने मंडोर को ले लिया मारवाड़ से एंड उसके बाद एक अलायंस बनाया एंड अपने जो बेटे की शादी थी रायमल की वो मारवाड़ की प्रिंसेस के साथ कर दी। महमूद खिलजी जो थे मालवा के एंड कुतुबद्दीन जो थे गुजरात के, उन्होंने हाथ मिला लिए एंड ट्रीटी ऑफ चंपानेर की 1456 के अंदर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुंभा पर अटैक करेंगे एंड अटैक करने के बाद उसका जो किंगडम है वो आपस में बांट लेंगे। कौन? महमूद खिलजी एंड कुतुबद्दीन ने। अटैक हुआ लेकिन जो कुंभा थे उन्होंने दोनों के बीच अपने जो डिफरेंसेस थे वो खत्म कर दिए एंड इन दोनों का जो प्लान था वो भी चौपट करा दिया। करीब करीब 32 किले हैं जो कि महाराणा कुंभा ने बनाए, जैसे कि सिरोही का, अचलगढ़ का, कुंभलगढ़ का, इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है। 84 फोर्ट्स हैं मेवाड़ के अंदर। पोइट श्यामल दास 32 फोर्ट्स का जो बनाने का क्रेडिट है वो कुंभा को देते हैं।
कुंभलगढ़ एक अच्छी ज्योग्राफिकल उसकी लोकेशन है, डिज़ाइन है, बिल्ट है, मंडन ने ये बेसिकली बनाया है कुंभलगढ़ फोर्ट, एंड टेम्पल्स भी बनाए हैं जैसे कि कुंभ स्वामी, श्रृंगार चंदवड़ी, इन्होंने टेम्पल बनाया है, बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ कुंभा स्वामी एंड श्रृंगार चंदवड़ी, रीबिल्ड द टेम्पल ऑफ एकलिंग जी एंड विष्णु का टेम्पल वहां पर बनाया। कुछ टेम्पल कुंभा ने बनाए हैं रनकपुर के अंदर, जो कि अपनी कार्विंग्स के लिए एंड अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। कुंभा अपने टाइम के स्कॉलर भी रह चुके हैं एंड ही वॉज वेरी पेट्रॉन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। एकलिंग महात्म्य जो है कान्हा व्यास का, उससे हमें ये पता चलता है कि उनका वेद में, स्मृति में, मीमांसा में, उपनिषद में, व्याकरण में, पॉलिटिक्स में, इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने संगीत राज लिखी, संगीत मीमांसा लिखी, शुद्ध प्रबंध लिखी, तो ये अगेन पूछा जा चुका है। कुंभा ये भी बिलीव करते थे कि रिटन कॉमेंट्रीज होनी चाहिए एंड टू हैव रिटन कमेंट्रीज ऑन चंडी शतक, गीत गोविंद एंड संगीत रत्नाकर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो उनके पोइट्स अत्रि एंड महेश ने लिखी। इन्हीं के टाइम पे कुंभा ने कुछ टाइटल्स भी लिए जैसे कि महाराजा धीराज, राव राय, धन गुरु, राज गुरु, परमा गुरु, हाल गुरु, अभिनव भारताचार्य एंड हिंदू सुल्तान, ये भी आ चुका है क्वेश्चंस के अंदर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको मिलेंगे। तो ये सब ये बताते हैं कि कुंभा वॉज अ ग्रेट रूलर एंड उन्होंने लेकिन अपने लास्ट डेज काफी ज्यादा मिजरी में बिताए। मेंटल डिसऑर्डर उनको हो गया था जिसको हम हाइस्ट्रिया या फिर मानिया कहते हैं, एंड फिर इन्हीं के बेटे ने इनकी मृत्यु कर दी।